पालीर में है मॉडल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी में है, तो वहाँ आते हैं लोग 80 रुपए का शरबत ले लेते। मुझे जुनेद अकरम साहब आए थे यूट्यूब ब्लॉगर ने, अच्छा, उसने कहा ये सारी रोड में तुम्हारे लिए जैम करा दूंगा, मतलब सपोर्ट, उन्होंने सपोर्ट मुझे अच्छा, दिया। अच्छा, अच्छा, वैसे ही हो रहा है जिस साइड पे मैं होता हूँ, सारी रोड ब्लॉक होती है, क्योंकि लड़के सारे आते बहुत ज्यादा एक वक्त में, तकरीबन 40-50 बंदे। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा होता तो शायद मुझे कोई पहचानना, मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार ही पहचानते, ऐसे ही है, लेकिन अब तो आपको ज्यादा लोग पहचानते। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मुझे ऑलमोस्ट जानने लगा। ये पहचान जो है, मतलब एक खूबसूरत चीज होती है, दूसरों में आप मुनफरिद नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, खुदा रास्ते आपके वैसे ही चुनता है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे है ना, यकीन हमारा भरोसा है अल्लाह पे के। तो आप जो आपको देख रहे हैं लोग और बहुत सारी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, मैं कहती हूँ एक वर्ड होता है जूते चटखाना, कि वो इधर जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू? जी, मतलब आपने जो सोचा हुआ है कि मैंने ये करना है, मिसाल के तौर पर कुछ बिजनेस सेटअप शुरू करना है, आप सोचे मत, अब तवक्कल करें, अल्लाह पे भरोसा करें, उसको शुरू करें। पहले 2-3 महीने थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, आपको मायूसी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब वो चल पड़ेगा फिर आप इंशाल्लाह उसको आप। मैंने बहुत सारे लड़कों को, खासतौर पे बच्चों को देखा है, यंग लड़कों को, कि भाई मैंने तो अगर कुछ करना है ना तो मैंने पाकिस्तान से बाहर जाके करना है, मेरा वीजा लगवा दो कि मैं इस मुल्क निकल जाऊँ, इस मुल्क, और यहाँ वो पड़े हुए होते हैं, बस बैठे हुए होते, बैठे होते ऐसे ही। और मैं कहती हूँ कि लाइक जब जो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकता ना, वो बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकता, ये हकीकत है। तो अब ये सोच बदलें और हाथ पांव मारेंगे तो ही कुछ बिल्कुल जगह बना पाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब आप वायरल हुए तो फिर जॉब की कोई ऑफर्स वगैरह आए? अब बहुत ऑफर्स आ रही है के हमारी कंपनी में आ जाए, हमारी कंपनी में आ जाए। मुझे एयरलाइन के सीईओ की कॉल आई थी, अच्छा, तो वो कह रहे हैं हम आपको मतलब हायर करना चाहते हैं। हाँ, मैं सोचूंगा उनको, मैंने अभी मैंने कहा कि मैं अब अपने बिजनेस के साथ थोड़ा सा बिजी हो चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपसे मिलूंगा, विल डिस्कस। हाँ, अगर मुझे समझ में आता है, अगर मैं अपने स्किल्स उसमें, मैं देखिए सिर्फ जॉब के लिए, सैलरी के लिए जॉब नहीं करता। हाँ, मैं ऐसे जॉब करता हूँ जैसा मैं मतलब ऑन द मूव हूँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, कुछ इनोवेशन, कुछ नई चीज़ें इस तरह वो करूँ। हाँ, जो 9 to 5 सिर्फ जा रहे हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये सारी, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, मुझे कुछ ऐसे काम मतलब जॉब चाहिए जिसमें हम कुछ इन्वेंट करें, कुछ नई डिज़ाइन वगैरह, जिस तरह रिसर्च और वो सारी एग्जैक्टली ये चीज़ों में। तो अब अगर मुझे अब जॉब दे रहे हैं तो आई विल थिंक अबाउट इट, है ना। और बिजनेस अपना एक सेटअप अलग, हाँ वो चलेगा, है ना, वो भाई या कोई और ये छोटा भाई मेरा आ गया इंशाल्लाह, हाँ ना, तो वो उसको सेटल कर दें, एक बिजनेस साइड पे चलता रहे, ऐसी जिंदगी बनती है, ऐसी जिंदगी आगे बढ़ती है ना, 2 और 2 11 हो जाते हैं ना, 2 और 2 11 क्या क्या मुहावरा है, 1 और 1 11 में मुहावरा ही बदल दिया मैंने, 2 और 2 11। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन, सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।